हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है जियो आर्ट स्टूडियो में। मैं हूं जॉर्ज और आज हम पेंटिंग करने वाले हैं फ्लावर वाज। चलो आज देखते हैं कि किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हम यूज करके भी एक अच्छा पेंटिंग बना सकते हैं। मेरे हाथ में एक कॉटन है और आज आप जो देख रहे हो वो कलर है एक्रिलिक कलर। एक्रिलिक कलर से और कॉटन का यूज करते हुए सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं। और जी हाँ दोस्तों, आप सभी को आगे के वीडियो भी देखकर मजा आया होगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया। जी हाँ, और एक बात ये भी है कि जब आप एंजॉय करते हो वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी इसे एंजॉय कर सके। जी हाँ, खास करके जो बच्चे सीखते हैं ड्राइंग और जिन्हें आर्ट में इंटरेस्ट है, स्पेशली उनके लिए है ये। तो आप देख सकते हो डार्क टू लाइट शेडिंग हो चुका है। चलिए तो अभी हम एक वाज के साथ शुरुआत करते हैं। कलर्स के साथ खेलने में मजा तो जरूर आता है, लेकिन कई बार दिक्कत ये होती है कि कलर अच्छे से स्प्रेड होगा या नहीं होगा। जैसे कि दूसरे कलर के साथ कई बार उसे जब धूल मिल जाना होता है, लेकिन होता यह है कई बार कि कलर क्वालिटी भी अगर अच्छी ना हो, हमारा मटेरियल अगर अच्छा नहीं है, तो भी कई बार पेंटिंग्स बनाने में हमको इतना मजा नहीं आता। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि कलर के साथ वर्क करते हुए डरते हैं, लेकिन मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि जब तक आप खुद पानी में छलांग नहीं लगाते, तब तक पानी क्या है वो आप कभी समझ नहीं पाओगे। सो कलर के साथ खेलना जरूरी है। लीफ भी हम ड्रॉ करेंगे यहां पर। और जब खास करके ग्रीनरी की बात हो, हम डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और कई बार येलो भी यूज कर सकते हैं। देखिए, वैसे हर एक बच्चा
कोई ना कोई आर्ट लेकर ही पैदा होता है। हर एक बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट रहता ही है। और आपने पिकासो का नाम सुना होगा और वो कहते हैं कि जरूरी ये है कि हम जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम वो आर्टिस्ट बने रहे जो आर्ट के साथ हम पैदा हुए हैं। वाज के अंदर मैंने थोड़ा लाइट शेड कर दिया है। सो आपके मनों में हृदय में जो कला छुपी हुई है इसे आप बाहर निकालिए। और कला के बारे में आर्ट के बारे में ऐसा है कि जब तक अंदर आग ना जले कला को लेकर, चाहे चित्रकारी हो या सिंगिंग हो डांसिंग हो, जब तक कि आपके सीने में आग ना जले बाहर धुआं दिखने वाला नहीं है। बात यह भी है कि बहुत सारे लोगों में कला के प्रति बहुत ही आविर्भाव होता है, उनका एक लगाव होता है, लेकिन कई बार फैमिली में से ही या रिश्तेदारों में या समाज में से सोसाइटी में कई लोग कला को लेकर इतना ध्यान नहीं देते। तो बच्चों को भी कहा जाता है कि कला में आगे बढ़कर क्या करेंगे, और ये बहुत ही गलत बात है। ये एक बहुत ही गलत बात है क्योंकि देखा जाए तो इंसान अंदर से बिखरा हुआ है और बाहर से अपने जिस्म को सजाता है। सो देखिए कलर के माध्यम से खूबसूरत फ्लावर्स तैयार हो चुके हैं। और कितना इजी होता है, कई बार हम सोचते हैं कि फ्लावर्स कैसे तैयार करें, फूलों को कैसे हम पेंट करें, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं। एक थोड़ी समझदारी के साथ अगर काम को शुरू किया जाए मैं मानता हूं कि ये बहुत ही आसान तरीका है, आसान काम है। सो फ्रेंड्स, आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो में। आप देख रहे हो एक्रेलिक कलर और फ्लावर वास तैयार किया गया है। और एक बात ये कि मैंने कहीं पर भी पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जो चीज
आप पेंसिल से ड्रॉ करना चाहते हो, लेकिन वही चीज आप सीधा ही कलर का यूज कर सकते हो और बना सकते हो। सो दोस्तों, आपने एंजॉय किया होगा और ये फ्लावर वास तैयार हो चुका है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, और अगर आप सीख रहे हो, मेरी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप भी कुछ आर्ट शुरू करें, आगे बढ़ें।